एक बार अमृतसर में सत्संग कर रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, कहते जी स्वामी जी आप कहते कुछ नहीं जाता साथ में, ये गलत बात है। मैंने कैसे? कहते कि एक सेठ था अमृतसर में, चारपाई पर पड़ा है बड़े समय से, अभी आखिरी समय आ गया, प्राण नहीं निकल रहे, प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं और वो बोल नहीं पा रहा, आखिरी समय जुबान भी बंद हो जाती, कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, घर वाले नहीं समझ रहे, बोल सकता नहीं। उसका मित्र आया सेठ का देखने के लिए, अपने मित्र को, तो बच्चे कहते हैं अंकल हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेटा हुआ है, जुबान बंद है, ऐसे थे। वो समझ गया, मित्र को समझ गया। गॉडरेज अलमारी पड़ी हुई थी, अलमेरा पड़ा हुआ था, उसने बेटी को बोला इसमें खोल, इसको खोलो, उसके अंदर चाबियों का गुच्छा, चाबियों के अंदर ही सारा माल होता है। कहते तेरे डैडी ये मांग रहे हैं। कहते अंकल हम मजाक क्यों करते? कहते मजाक नहीं करता, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो जानता था उसको अपने, उसे चाबियों का गुच्छा उसको लिया, छाती पर रखा, छाती पर। कहते आप कहते कुछ नहीं, छाती पर रखे, मजाक कर रहा है, छाती पर रखे ले गया, मर गया। ध्यान उसका बस सब माल में है, प्राण नहीं निकल रहे, चाबियों का गुच्छा छाती पर रखे, मर गया। तो हमें हर ओर से मन को हटाना है, क्योंकि बड़ी परीक्षा में बैठना है भाई, उसके लिए करो कुछ, बाकी जो कुछ कर रही हो बेकार है।